नमस्कार, एक बार फिर सबका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। T20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा कुछ खास नहीं रहा। पहले T20 और फिर वनडे सीरीज दोनों में ही बारिश की वजह से काफी प्रॉब्लम है। हालांकि सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय टीम मेजबान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज हार गई। तीसरा और दौरे का आखिरी मुकाबला आज खेला गया, लेकिन फिर से बारिश की वजह से मैच को बीच में ही रोकना पड़ा, जहां दूसरी पारी में खेल रही कीवी टीम 18 ओवर में अपने एक विकेट खोकर 104 रन बना चुकी थी और यहां से जीत के लिए मात्र 116 रन की जरूरत थी। टीम काफी मजबूत स्थिति में थी, मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि भारतीय टीम हार जाती, पर फिर भी जो हुआ उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। हमेशा की तरह इस बार भी भारत की ओपनिंग जोड़ी नहीं टिकी। वहीं फर्स्ट डाउन पर बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर अपना अर्धशतक लगाने से बस एक रन पीछे रहे। ऋषभ पंत का फ्लॉप शो एक बार फिर से जारी रहा और मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने अपने करियर का पहला अर्धशतक लगाया और भारतीय पारी को संभालते हुए 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि उसके बाद वो अंतिम विकेट के रूप में आउट भी हो गए। वहीं इस मुकाबले में संजू सैमसन को फिर से मौका नहीं मिला, जिन्होंने पहले वनडे में एक संभली हुई महत्वपूर्ण पारी खेली थी। वहीं बारिश के पहले सूर्य को भी चमकने का मौका मिला था, मगर उन्होंने भी निराश किया और मात्र 6 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 300 बॉल भी नहीं खेल पाई और मात्र 47.3 ओवर में अपने सारे विकेट खोकर 219 रन बनाए। भारतीय टीम जब तक बल्लेबाजी की तब तक लग रहा था कि क्राइस्टचर्च की पिच गेंदबाजों को सपोर्ट कर रही है, पर इसके बाद जब न्यूजीलैंड की बारिश शुरू हुई तो ऐसा लगा मानो पिच की मनसा ही बदल गई। वही पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करना शुरू कर दी। कीवी ओपनर्स भारतीय गेंदबाजों को इतनी आसानी से फेस कर रहे थे जैसे नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई डर नहीं, आराम से रन चुराते जा रहे थे। पहले विकेट के लिए कीवियों ने 97 रन की साझेदारी की। फिन एलन 54 गेंदों पर 57 रन की जबरदस्त पारी खेली और फिर उमरान मलिक की गेंद पर वापस पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर डेविन कॉनवे 51 गेंदों पर 38 रन और कप्तान केन विलियमसन बिना खाता खोले थे और बारिश शुरू हो गई। इसके बाद मुकाबले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किया गया, मगर जब बारिश नहीं रुकी तब मैच को रद्द कर दिया गया और भारत 1-0 से सीरीज हार गया। अब भारत का अगला दौरा बांग्लादेश का है, जहां भारतीय टीम 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।